press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आरक्षण मामले में दुर्भावना से काम कर रही है और सामान्य वर्ग को आरक्षण से वंचित रखना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पहले तो नोटिफिकेशन जारी करने में देरी की और अब उसके बाद जाति प्रमाण पत्र व परिवार की भाषा में नया पैरा जोड़कर इसे कठिन बनाने का प्रयास किया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण का नोटिफिकेशन 31 जनवरी को जारी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे रोके रखा और भाजपा की ओर से विधानसभा से लेकर सड़क तक धरने प्रदर्शन और आंदोलन के बाद 19 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी गाइडलाइन 12 मार्च को बनाई गई। इसमें कुटुंब की परिभाषा और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची के माध्यम से कठिन बनाया गया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र के नोटिफिकेशन में कुटुंब की परिभाषा में आश्रित माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं, जबकि राज्य सरकार की गाइडलाइन में परिवार की भाषा में आश्रित माता पिता और 18 से कम आयु के बच्चों के अलावा भाई बहन को भी शामिल किया गया है। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में अब तक एक भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। सामान्य वर्ग के आरक्षण में राज्य सरकार द्वारा बाधा पैदा की गई और इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार तुरंत जाति प्रमाण पत्र जारी करे। 31 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और नोटिफिकेशन निकलने के तुरंत बाद भाजपा शासित राज्यों ने अपने आप में यहाँ भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसमें उन्होंने इस बात को इंश्योर करने का काम किया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% नौकरियों में और प्रवेश में आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। 31 जनवरी को नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी बार बार इस बात को कहने के बाद, विधानसभा में उठाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिले में इसका ज्ञापन, प्रत्येक जिले में जिले भरो आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा, ये सब करने के बाद भी 12 मार्च को जाकर के एक नोटिफिकेशन निकालने काम किया, लेकिन उसका जो प्रोफॉर्मा जारी करने का काम किया वो 12 मार्च को राजस्थान की सरकार के द्वारा किया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।